हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की मैक्रम ली हुई है। और इसको आप पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। तो पुरानी साड़ी और चुन्नी से हमारे चैनल पर पहले से ही है, उसको आप वहाँ से देख लीजिए, मैं लिंक दे दूँगी इसकी। और देखिए, यहाँ पर मैंने 8 नंबर सिलाई ली हुई है। तो देखिए, इस तरीके से मैं फंदे डालूँगी यहाँ पर, मैं ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात, इसी तरह से मैं इसमें 18 फंदे डालूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें 18 फंदे डाल लिए हैं। आप देखिए, यहाँ से मैं एक फंदा उतारूंगी और यहाँ से उल्टा बुनूंगी। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पेयर के हिसाब से फंदे डाल लीजिए, उसके बाद इसको स्टार्ट कर लीजिए। इस तरीके से इसको लास्ट तक बुनेंगे, लास्ट में एक फंदा बुना बुने छोड़ देंगे। इस तरह से देखिए, लास्ट तक इसको ये देखिए लास्ट तक बना लिया, एक फंदा बिना बुने छोड़ दिया, धागा पीछे किया और यहीं से इस तरीके से इसको पलट लिया। ऐसे इधर से भी इसको ऐसे ही बनाना है लास्ट तक। ये देखिए, लास्ट तक बना लिया। और देखिए, यहाँ से ऐसे धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे ताकि यहाँ पर चैन रहे। इस तरीके से फिर से पलट लेंगे और यहाँ से उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनना है और एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है। अभी ये देखिए, एक फंदा फिर से छोड़ दिया और यहीं से पलट लिया। अब देखिए, इसको इसी तरीके से मैं 9 फंदे छोड़ने तक बनाऊंगी, आधे फंदे छोड़ दूंगी। 18 का बना रही हूँ मैं, आप जितने का बनाए इसी हिसाब से आप बना लीजिए। तो मैं आधे फंदे इसमें 9 फंदे छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें 8 फंदे छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, 9वां फंदा जब छोड़ूंगी मैं यहाँ से कलर लगा लूंगी, कलर ऐड करूंगी। तो मैं देखिए यहाँ से ये फ्रोजी कलर ऐड कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, अब इस रो में ये पीले का 9वां फंदा छूट जाएगा, 18 में से 9 फंदे छूट गए हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से पलट लूंगी और एक एक फंदा छोड़ते हुए लास्ट एक फंदे तक इसको फिर से बनाऊंगी। इस फंदे को ऐसे बनाएंगे सीधा ऐसे और यहीं से पलट लेंगे। और देखिए, अब मैं इसको छोड़ देती हूँ एक एक करके सभी फंदे। ये देखिए, यहाँ से मैंने फ्रोजी के भी छोड़ दिए हैं, लास्ट 2 फंदों तक इसको छोड़ा है मैंने, एक उतरा हुआ रह गया और एक यहाँ तक छोड़ दिया। आप देखिए, यहाँ से मैं जिस तरह से मैंने एक एक फंदा छोड़ा है, उसी तरीके से मैं ऊपर के साइड से एक एक फंदा लूंगी। तो एक मैंने ये उतार लिया और एक ये बुना और एक ये आगे से ले लिया और यहीं से इसको वापस पलट लिया ऐसे, इस तरीके से।
इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे और यहीं से फिर से पलट लेंगे। एक उतार लिया और देखिए अब दो बुनेंगे। और देखिए यहाँ पे गैफिंग हो रही है, तो उसके लिए मैं एक ये वाला फंदा और देखिए एक ये वाला फंदा, ये दो फंदे उठा लिए दोनों रो में से और यहाँ से एक आगे से तीन का एक करूँगी। तो देखिए यहीं से फिर से पलट लिया, और इस फंदे को हमेशा सीधा ही बुनेंगे ऐसे। आप देखिए यहाँ से एक ये उतार लिया, एक बुना, दो, तीन, तीन बुन लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से गैपिंग के लिए मैं ऐसे फंदा उठा लूँगी, ये गैपिंग ना रहे आपके डोरमेट में। दो फंदे उठा लिए और एक फंदा आगे से लूँगी, तीन का एक करूँगी ऐसे। यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ से इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस फंदे को ऐसे धागा पीछे करके सीधा बुनना है। आप देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ तक बना लेती हूँ फ्रोजी वाले तक। ये देखिए मैंने फ्रोजी तक बना लिए एक एक फंदा लेते हुए। आप देखिए यहाँ से मैं फिर से ये वाला येलो कलर लगा लूंगी। तो देखिए इस तरीके से, इस तरीके से लगाते हुए इसको बनाएंगे। यहां तक बना लिया और देखिए अब गैफिंग के लिए मैं यहां से फिर से एक फंदा उठाऊंगी और एक इसमें से उठाऊंगी। दो फंदे उठा के आगे एक पीला ले लूंगी, तो ये तीन का एक करूंगी ऐसे, तीन का एक कर दिया। वापस यहीं से पलट लिया और इधर से इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और इस फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे एक तरफ से और एक तरफ से उतार लेंगे। आप देखिए इसी तरीके से मैं लास्ट यहाँ पे एक फंदा रह जाएगा जब तक बना के उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लास्ट एक फंदे तक इसको बना लिया, एक फंदा रह गया है। अब देखिए यहाँ से मैं सभी फंदे क्लोज करूंगी। तो देखिए दो का एक करते हुए ऐसे वापस इस फंदे को लिया, दो का एक किया, फिर से देखिए ऐसे सभी फंदे मैं ऐसे ही बंद करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये दो पार्ट्स इस तरह से बनाए हैं, जिसमें मैंने फ्रोजी से फंदे डाले हुए हैं और देखिए येलो आगे लगाया है, और दो मैंने ऐसे बनाए हैं, इसमें मैंने येलो से फंदे डाले हैं, फ्रोजी आगे लगाया। तो इस तरह से इसको मैंने बना के कंप्लीट किया है। आप देखिए इसको मैं इस तरह से सेट करूंगी सिलने के लिए। ये ऐसे रख लिए मैंने इस तरह से, और इसको ऐसे रखेंगे देखिए इस तरीके से, और इसको यहाँ पे रख देंगे तो ऐसे ये सिल के पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से इसमें सिलाई लगाते हुए ऐसे जाएंगे, फिर वापस यहाँ से और ऐसे क्रॉस में इसकी सिलाई लगा देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। इजीली कंप्लीट हो जाता है ये।